तो आपकी बुकलेट में अभी रियल और एपरेंट डेप्थ के ऊपर कुछ कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से लिख लो, फॉर कंपटीशन नॉट फॉर एनसीईआरटी। तो कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स गिवन है जो ऑब्जेक्टिव के अंदर कहीं ना कहीं आपसे पूछी जा सकती हैं, हालांकि रेयर है पर फिर भी आपको आना चाहिए। वो क्या कॉन्सेप्ट है, ये हमने ये किया कि अगर ऑब्जर्व, जैसे केस नंबर वन रियल और एपरेंट डेप्थ में मेथड नंबर वन डिस्कस कर रहे हैं, तो जैसे ऑब्जर्वर एयर में है, देखने वाला एयर में है, ध्यान से देखना प्लीज, देखने वाला एयर में और क्वाइन पानी में है, तो क्वाइन की कौन सी डेप्थ है, रियल डेप्थ है। क्वाइन आपको कहां नजर आएगा, ऊपर। कौन सी डेप्थ है, एपरेंट डेप्थ है। हमने क्या फॉर्मूला किया था, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज रियल डेप्थ बाय एपरेंट डेप्थ, आंसर। एपरेंट डेप्थ कैन बी कैलकुलेटेड, कोई नई बात नहीं, हमने कर लिया ये। और ऐसी अगर ऑब्जर्वर वाटर में है, ऑब्जर्वर वाटर में कौन होता है, जैसे फिश, तो फिश बर्ड को देख रही है, तो बर्ड उसको जो एक्चुअल डेप्थ है उसकी रियल डेप्थ है, पर उसको बर्ड पास नहीं उल्टा कहां नजर आएगी, दूर नजर आएगी, तो इसकी एपरेंट डेप्थ है। तो एपरेंट डेप्थ में क्या करेंगे, रियल डेप्थ बाय म्यू, लेकिन म्यू ध्यान से, पिछले केस में म्यू यूज किया था वॉटर म्यू ए, इस बार क्या हो जाएगा, ए म्यू वॉटर, मैंने बता दिया आपको पहले भी। तो आपकी एपरेंट डेप्थ ऐसे कैलकुलेट करेंगे, ये आपका मेथड नंबर वन है। लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, वाटर एयर कैसे लेना है, नीचे क्या लें, ऊपर क्या लें। इसके लिए मेथड टू भी गिवन होता है काफी बुक्स में, वो कहते हैं जी कुछ ना सोचो, ए की फॉर्मूला हर जगह अप्लाई कर दो, और फॉर्मूला क्या है, एपरेंट डेप्थ इज रियल डेप्थ बाय म्यू रिलेटिव, वेयर म्यू रिलेटिव का मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इन विच ऑब्जेक्ट इज लाइंग डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इन विच ऑब्जर्वर इज लाइंग। जैसे याद रखना, म्यू रिलेटिव में मैं क्या यूज कर रहा हूं, दो म्यू की रेशियो यूज कर रहा हूं, और पहले वाला म्यू किसका है, जिसमें ऑब्जेक्ट पड़ा है, और दूसरे वाला म्यू किसका है, जिसमें ऑब्जर्वर पड़ा है। तो न्यूमिनेटर में क्या पड़ा है, ऑब्जेक्ट पड़ा है। मैं लगा के दिखाता हूं, जैसे ऑब्जर्वर एयर में है, अगर ऑब्जर्वर एयर में है तो ऑब्जेक्ट किसमें, पानी में है, तो म्यू रिलेटिव क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट पानी में है, ऑब्जर्वर एयर में, आंसर। बात ही खत्म कर दी। तो एपरेंट डेप्थ क्या होगा, डी अपॉन एयर। उसी तरीके से अगर ऑब्जर्वर किसमें है, वॉटर में है, तो ऑब्जेक्ट किसमें है, एयर में है, तो म्यू रिलेटिव में ऊपर क्या आएगा, म्यू एयर आ जाएगा, बन गया। तो फॉर्मूला तो एक ही है, रियल डेप्थ एपरेंट डेप्थ ये रहा सेम, बाकी तो वो चक्कर ही नहीं है इसमें। तो जो मर्जी मेथड यूज कर लो, बस आंसर सही देना है। इसके बेस पे एग्जांपल है, ये एग्जांपल के अंदर वो कहता है जी एक मिरर है, प्लेन मिरर है, हमने प्लेन मिरर भी किया नहीं, पर आपको ये प्रॉपर्टी आती है कि अगर प्लेन मिरर से मैं 10 मीटर दूर हूं तो मेरी इमेज उसके अंदर 10 मीटर दूर ही बनेगी, 10 और 10 पे बनेगी। तो स्टार्ट करते हैं, ये आई है, आंख है, बर्ड की आंख है सपोज, ये फिश है, ये पानी है, और ये प्लेन मिरर है। आई और मिरर के बीच में ये पानी, इसके बीच में डिस्टेंस हवा में एच है, पानी की डेप्थ एच है, फिश मिड पॉइंट पे है, एच बाय टू गिवन है, इसको मत देखो, ये कुछ नहीं है, ये सिचुएशन है। कौन किसको देखना चाहता है, फिश ऑब्जर्व्स आई, फिश आंख को देखना चाहती है, तो कितनी दूरी पे वो दिखेगी, ये क्वेश्चन है। फिश जब तक पानी में देख रही है उसको एज इट इज सब कुछ एग्जैक्ट नजर आएगा, लेकिन जैसे ही उसका मीडियम चेंज होगा उसको डिस्टेंस गलत नजर आएंगे। तो फिश यहां से ये देखना चाहती है, तो एच बाई टू डिस्टेंस तो एज इट इज एच बाई टू ही नजर आएगा, लेकिन ये जो एच है वो थोड़ा दूर नजर आएगा, बढ़ के नजर आएगा। तो कैसे आएगा, आज हमने किया, तो हवा में जो डिस्टेंस है वो एच अपॉन म्यू रिलेटिव, म्यू रिलेटिव निकालना सिखाया था। ऑब्जेक्ट कौन है इसमें, आई ऑब्जर्वर कौन है, फिश, ऑब्जेक्ट किसमें पड़ा हुआ है, एयर में, तो ये आ गया। तो यहां से इस वैल्यू को पुट कर दिया, ये रहा, ठीक है। तो जो हाइट हवा में एच थी वो कितनी नजर आएगी, एच इन टू म्यू डब्ल्यू। तो फिश से पूछो तेरे को बर्ड कितनी देर दूर नजर आ रही है, वो कहेगी एच बाय टू प्लस प्लस म्यू वॉटर इन टू एच, आंसर। पहला आंसर क्लियर है, ठीक है जी। तो क्या अफेक्ट हो रहा है, जहां मीडियम चेंज हो रहा है वहां की हाइट अफेक्ट होती है। अब मान लो फिश क्या देखना चाहती है, फिश आए बर्ड को यहां नहीं देखना चाहती,
वो उसकी इमेज देखना चाहती है शीशे, उसमें मिरर में क्या बनेगी, तो सीधा ही देख ले ना, वो कहते वो नहीं देखूंगी, वो देखूंगी जो इमेज है। अब इमेज कौन बना रहा है? मिरर। अब अपना क्वेश्चन मिरर से पूछो, मिरर तेरे को क्या नजर आ रहा है? तो मिरर बोलेगा मेरे को किसको देखना है, आई को, तो मेरे को ये दूरी तो एच ही नजर आती है, मीडियम चेंज ही नहीं हुआ, लेकिन ये दूरी मेरे को भी थोड़ी दूर नजर आती है, कितना दूर नजर आती है, एच तो बिल्कुल सही नजर आता है, म्यू डब्ल्यू इन टू एच, तो इमेज कहां बनेगी, इतनी दूरी पे बनेगी, तो मिरर इमेज यहां बना रहा है। पर देखना किसे था? फिश को। तो फिश जब इसे देखेगी तो क्या दिखेगा उसे, ये उसको बिल्कुल, क्योंकि मिरर ने ऑलरेडी सब रूल लगा के इमेज बना दी हुई है, सब पानी पानी दिख रहा है इसमें, तो एच बाई टू प्लस एच प्लस म्यू डब्ल्यू इन टू एच उसको इमेज नजर आएगी। ठीक है, यहां तक क्लियर है? तो लिख दिया इसमें ये भी मैंने। अब मान लो वो कहता है जी आई ऑब्जर्व फिश, अब जो आई है वो फिश को देखना चाहती है, जब तक आई अब इसको देख रही है तो वो तो एज इट इज एच ही नजर आएगा उसे। यहां पे मीडियम क्या हो गया? चेंज। मीडियम चेंज होने की वजह से इतनी हाइट में इफेक्ट आ गया, आंसर आ गया। तो आई अगर देखना चाहती है फिश को तो इतनी दूरी पर नजर आएगा। ठीक है यहां तक, तो ये आंसर भी क्लियर है। नेक्स्ट आंसर ये रहा, ठीक हो गया। अब अगले क्वेश्चन के अंदर इसी में आई वॉन्ट टू सी इमेज ऑफ फिश इन मिरर, वो कह रहा है जो बर्ड है वो फिश देखना नहीं चाहती, बर्ड क्या देखना चाहती है? फिश की इमेज देखना चाहती है। इमेज कौन बना रहा है? मिरर। अब मिरर से पूछने तो इमेज कहां बनाएगी, किसकी इमेज बनानी है? फिश की। तो मिरर कहता है देखो फिश पानी में है, इमेज भी पानी में बनेगी, तो इसमें कोई चेंज नहीं है क्योंकि मीडियम चेंज ही नहीं हुआ, एयर का तो कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं इसमें, तो फिश की इमेज ये बन गई। अब देखना किसे है? आई को। अब आई देखना चाहती है मिरर की इमेज को, ये डिस्टेंस देखना चाहती है, तो आई के लिए एच में तो कोई चेंज आएगा नहीं, बात ही खत्म हो गई। आई के लिए ये जो डिस्टेंस है ये एच, और ये कितना है? एच बाई टू, तो कितना हो गया? थ्री एच बाई टू डिवाइडेड बाई न्यू वॉटर आंसर, क्योंकि पूरा पानी के अंदर है आंसर, तो एच में कोई इफेक्ट नहीं है, ये पूरी हाइट एच प्लस एच बाई टू डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगी? न्यू वॉटर। कोई डाउट इसमें? आंसर है। तो समझ में आ रहा है कि रूल कैसे चलेंगे? देखो ऐसा नहीं कि क्वेश्चन आएंगे, पता नहीं कहीं पर भी लग जाएगा, तो ये बस तरीका बता रहा हूं कि प्लेन मिरर्स के अंदर ऐसा कॉन्सेप्ट लगा तो कैसे करना है।